नमस्कार, वेलकम टू चाची की रसोई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार सी रेसिपी, दही बड़े। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसको दही बल्ले बोलते हैं या दही की पकौड़ी। और जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो हलवाई स्टाइल है। हलवाई लोग इसको शादी या पार्टी में इसी तरीके से बनाते हैं। तो जाइए और अपने किचन में झटपट से ये रेसिपी तैयार कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए और खाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को भिगोएंगे। ये लिया है हमने आधा किलो मूंग का मोगर और ये 250 ग्राम उड़द दाल। इन दोनों को मिक्स करके हम 3 घंटे के लिए भिगोएंगे। इसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमारी दही बड़े की दाल पीस कर आ चुकी है। इसको हमने बाज़ार में पिसवाया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक और ये कुछ काली मिर्च है तो वो इसमें डालेंगे। ये हींग है, ये हींग डाल रहे हैं इसमें हम। अब हम इसको फेटेंगे। अब हम इसको हाथ की सहायता से डायरेक्ट हिलाते हिलाते फेटते जाएंगे इस तरीके से। ये दाल इतनी फटनी चाहिए कि बिल्कुल हल्की हो जाए। और आपको एक तरीका बताएंगे कि कैसे आपकी दाल का पता लगे आपको कि दाल आपकी तैयार है। दाल को चेक करने के लिए कि ये दाल फिट चुकी है अच्छे से, हम एक गिलास पानी लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा दाल डालेंगे। तो दाल देखिए ऊपर आ गई है, तो हमें मान लेना है कि दाल फट चुकी है। अब हम इसको तलने के लिए ये तैयार है। ये हमने लिया है 1 किलो मूंगफली का तेल। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पकौड़ियाँ तलेंगे। आप छोटी छोटी पकौड़ियाँ आप इस तरीके से डालते जाइए, आराम से आपकी पकौड़ियाँ फूलती रहेंगी। और गैस के फ्लेम को आपको कम ही रखना है ताकि जले नहीं और आराम से तैरती हुई ऊपर आती जाए। आपको कढ़ाई को पूरा भर देना है कि कढ़ाई पूरी भर जाए पकौड़ियों से। तो थोड़ा सा पानी लेंगे आप हाथ में और इस तरीके से छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव कर रहे हो कढ़ाई में तो आपको बहुत केयरफुली रहना है, दूर रहना है। तो और कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये पानी बाहर नहीं आएगा, आपके पकौड़ी को इसको फुला देगा। देखिए किस तरीके से मोटी हो गई हैं पकौड़ियाँ, फूल फूल कर बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। इस तरीके से बनाइए, हलवाई भी इसी तरीके से बनाता है। तो इसी तरीके से आपको सारी पकौड़ियाँ बनानी है। जब पकौड़ियों का कलर इस तरीके आ जाए तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। जब ये पानी में जाएंगी तो ये थोड़ा सा लाइट कलर की हो जाएंगी, इसलिए अब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारी सारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको भिगोना आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉफ्ट किया जाएगा। ये हमने पानी लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। ये गुनगुना पानी है। अब हम इसको दही बड़ों में डाल देंगे तो ये सारे बड़े भीग जाएं। इतना पानी होना चाहिए आपका, ये सभी इसमें भीग जाएंगे। और आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से इसको छोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए और ये हमारे लिए तैयार हो जाए। ये आधा घंटा हो चुका है पकौड़ी के भीगने के बाद। अब हम इसका दबा दबा कर पानी निकालेंगे। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और कुछ फूल भी गई हैं। ये जो एक्स्ट्रा तेल है जो वो पानी की सहायता से बाहर निकल जाएगा। और देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, देखिए हल्के से भी हाथ से फूट रही है ये। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसलिए आप हल्के हल्के हाथों से इनको दबाते रहिए इस तरीके से। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। जब भी आपके गेस्ट आए या अपनी फैमिली में कोई फंक्शन हो तो आप दही बड़े बनाकर अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसकी प्लेटिंग। सबसे पहले अब हम इसमें
दही फैलाएंगे। दही को पूरे से आप दही बड़ों पर फैलाइए। चलनी में इसको हमने दही को छाना हुआ था, तो आप छानने से दही आपका क्रीमी बन जाता है। तो आप ये हो गया दही। अब हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी। ये चटनी अमचूर और गुड़ से बनाई गई है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी से जल्दी लाकर बताऊंगी। अब हम इस पर डालेंगे मीठी चटनी। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीने की चटनी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसमें। ये देखिए, इसे कलरफुल भी आ गई है ये। अब इसमें डाल रहे हैं हम जीरा पाउडर और ये नमक। हाथ से फैला रहे हैं हम, क्योंकि चारों तरफ हाथ से अच्छे से फैलेगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिर्ची, हैं कुछ काजू के पीसेस, बहुत ही ग्रेसफुल देंगे ये। ये हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं।